अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद पर एक नए चैप्टर के साथ, जो कि हम आपको बताएंगे इसके अंदर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की फाउंडेशन के मुतालिक और बाबुल कायद कब बना, क्योंकि अक्सर कायदियों को इस चीज़ का पता नहीं होता ना जब वो यूनिवर्सिटी में आते हैं और चले भी जाते हैं, मतलब फ्यू एवर को पता नहीं चलता। तो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर जो ये बाबुल कायद है, इसका फाउंडेशन स्टोन जो है ना वो हमारे प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखा था 1976 के अंदर। आए हम आपको ले चलते हैं उस फाउंडेशन स्टोन वाली जगह पर जहाँ के जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, ये है फाउंडेशन स्टोन वाली जगह, यहाँ पे उन्होंने इसकी इनाग्रेशन की थी कि यहाँ बाबुल कायद बनना चाहिए इन द मेमोरी ऑफ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी एंड कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिना 100th बर्थडे। Hope so you are enjoying our video. Now let's come towards the new journey. अब हम आपको ले चलते हैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का फाउंडेशन स्टोन किसने रखा था, उस अजीम शख्सियत की तरफ जिनके बारे में एटलीस्ट सब जानते हैं मगर उनको ये पता नहीं है कि मे बी उन्होंने रखा हो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का फाउंडेशन स्टोन या फिर ना रखा हो। आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं उनसे और आपको मिलवाते हैं। वो फाउंडेशन स्टोन कहाँ रखा गया? वो रखा गया कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में सेंट्रल लाइब्रेरी के सामने, एक जगह है वहाँ पर। तो आए हम आपको लेके चलते हैं अनड्यूलेटिंग पाथवेज ऑफ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद विद इट्स ब्यूटी टूवर्ड्स दैट स्टोन। वैसे वो कितनी अजीम शख्सियत थी जिन्होंने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद जैसे प्रेस्टिजियस इदारे का फाउंडेशन स्टोन रखा। अब दिल को थाम लें, अभी हम पहुंचने वाले हैं, वी आर नियर। देखिए अब हम आ गए हैं, हमारी लोकेशन बिल्कुल करीब है। आप देख सकते हैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की खूबसूरती भी आपको यहाँ से नज़र आ रही होगी। और ये देखें, ऐसा ना कि सीढ़ियाँ आ गई और हम पहुंच गए अपने फाउंडेशन स्टोन के करीब। अब देखें कि हमारे पास ये है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की सेंट्रल लाइब्रेरी के साथ फाउंटेन लगा हुआ है जो कि अभी इनएक्टिव है क्योंकि ये सुबह सुबह का टाइम है और अक्सर ये हमारे पास जो है ना फाउंटेन स्पेशल ओकेजन्स पे ही ऑन किए जाते हैं। बाकी अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का फाउंडेशन स्टोन किसने रखा, और वो हैं अजीम शख्सियत ज़ियाउल हक साहब, और कब रखा उसकी डेट अभी हम आपको दिखाते हैं। आए 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 आए, आप चलते हैं उसकी तरफ। लें आ गए हम, इसका फाउंडेशन स्टोन ज़ियाउल हक साहब ने रखा था 1967 के अंदर, और वो एक बेहतरीन लम्हा था जब ये इतना बड़ा इदारा मार्ज़ वजूद में आया। स्टार्ट में इसका नाम इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी था, फिर बाद में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद रख दिया गया। ये थोड़ा सा इसकी हम आपको लुक दिखा रहे हैं सेंट्रल लाइब्रेरी की, जो कि डॉक्टर रियाजुद्दीन सदीकी सेंट्रल मेमोरियल लाइब्रेरी है, इसका हम CLB कहते हैं। ये देखें आप, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद पाकिस्तान की सब यूनिवर्सिटीज़ में सबसे ज़्यादा खूबसूरत, नेचुरल ब्यूटी इसमें है और आपको एक ज़हनी सुकून भी मिलता है इसमें रह के। होप सो यू हैव इन्जॉयड अवर वीडियो, बी कनेक्टेड विद अस फॉर मोर वीडियोज़ ऑन कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। अल्लाह हाफिज़।